प्रकाश जी, इस फिल्म में आप ऋचा दीक्षित के चाचा हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने फिल्म देखा था जी, देखी थी मैंने नचनिया जी। उसमें क्या थे आप? उसमें मैं ऋचा का बॉयफ्रेंड था। तो बॉयफ्रेंड से चाचा एकाएक यही एक्टरों की लाइफ है, इसको जर्नी कह लीजिए आप। हमें एक रोल ऑफर होता है और हम उस रोल को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि मैं किसका चाचा हूँ और किसका भाई हूँ और किसका बॉयफ्रेंड हूँ। बाकी ऋचा यही है। चाचा और बॉयफ्रेंड में मुझे नहीं लगता एज एन एक्टर कोई तकलीफ हुई है। नहीं नहीं नहीं, प्रकाश सर की एक खासियत बात है कि मैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी तो सबसे पहले मैंने नचनिया ही फिल्म करी है और प्रकाश सर के साथ करी है, तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि उन्होंने एक हिंदी सीरियल किया था भाग्य दिखा था, तो ये काफ़ी नोन फेस थे, तो मुझे लगा कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं कैसे करूँगी। मैं रो रही थी वैनिटी पे और ये जस्ट मेरे पीछे बैठे हुए थे, और लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हम कैसे कैसे क्लोज हो गए, मतलब मूवी के दौरान पता ही नहीं चला। और आज हम लोग फाइट भी करते हैं, बैठते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती। एक्चुअली जब रंगमंच के आर्टिस्ट आपको मिल जाते हैं को आर्टिस्ट के रूप में, तो एक दूसरे को बहुत फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा मुझे ऋचा के साथ काम करके मिला। उस फिल्म का लुक अलग, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और इस फिल्म में बिल्कुल अलग। मुझे इसको बेटा कहना पड़ रहा है इसमें, उसमें छुप छुप के मुझे देखना पड़ता था। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना नेचुरल ये एक्टिंग करती है उतनी अच्छी, उतना अच्छा इसका स्वभाव भी है, इस वजह से मैं चाचा के रोल में भी कंफर्ट हूँ। कौन सा रोल ज़्यादा अच्छा लगा था इनके साथ करते हुए? चाचा ही रोल बहुत अच्छे थे, वो भी करने में मुझे बहुत मज़ा आया था और ये भी करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए, उसमें मुझे बॉयफ्रेंड की फीलिंग आती थी, इसमें मुझे चाचा जी की फीलिंग आती है। जिस रफ्तार, अरे अभी तो शुरुआत है, मैं कभी भाई बनूँगा, कभी दादा भी बन जाऊँगा, फिर से कभी बॉयफ्रेंड बनना होगा, हो सकता है कभी मुझे निगेटिव रोल करना पड़े जिसमें इसको उठा कर ले जा रहा हूँ। पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एक्टिंग चलता रहता है। पल्लवी जी हैं। हेलो, हाय हाय, नमस्कार। पल्लवी जी, आप क्या कर रहे हैं इसमें? सर, ये मेरा गेटअप है इस फिल्म का। मैं इसके स्कूल की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मेरा एक पैरेलल रोल है इसमें। और इसमें ये है कि मैं इसको इसके प्यार में जो इसको सफलता हासिल नहीं होती वो मैं इसे करा देती हूँ, इसके बॉयफ्रेंड से इसको मिला देती हूँ। तो जो इसका प्रेमी है वो आप फिल्म में देख लीजिएगा कैसा है, अभी नहीं बताऊँगी। बहुत ही अच्छा सा रोल है। और एक है कि एक गलती मैंने की है कि मैं इसको इसको स्कूल से भगा देती हूँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और उसके बाद चाचा जी आके मुझे डांटते हैं, मारते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तो वो आप चाचा जी से क्या हो गया भैया, बैठे बैठे चाचा जी बना दिए लाइफ। ये भी चाचा जी कहने लगी है, पिछली फिल्म में मेरे साथ कॉमेडी कर रही थी और हम इस पे लाइन मार रहे थे, इस बार फिर से चाचा जी हो गए। चलो एक काम करते हैं, अगली फिल्म में ना बाबू जी वाला भी रोल कर ही लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।